विराट ने ली एक बार फिर से पाखी की साइड और यहां पर सई हुई बेहद परेशान क्योंकि सई बार बार बता रही है पाखी की साजिश, लेकिन यहां विराट कुछ भी नहीं है सुनने को तैयार। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। गुम है किसी के प्यार में का जो लेटेस्ट ट्रैक है, यानी कि जो आज का ट्रैक है, उसमें आप देखेंगे कि विराट किस तरह से एक बार फिर से पाखी की साइड लेता नजर आ रहा है और ये देखकर सई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वेल, आप सबको मालूम ही है कि सई ने जो है वो रिपोर्ट देख ली है। वो रिपोर्ट देखने के बाद सई को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। वो देख रही है कि जो उसकी प्रक्रिया है, यानी कि जो पाखी की प्रक्रिया है, वो ठीक से नहीं हो पाई है और ये बच्चा सस्टेन नहीं कर पाया है अभी ढंग से। और ये सोचकर सई बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर यहाँ पर वो विराट से बहुत सारी बातें करती है, लेकिन विराट जो है वो सई की बात नहीं समझ पाता है। विराट को सई दिखाती है कि ये देख लीजिए, ये जो बच्चा है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है। और फिर ये रिपोर्ट जो है दिखाती है सई विराट को, और विराट जब ये रिपोर्ट देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और फिर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इसके साथ ही साथ सई बहुत सारी बातें विराट को बताती है और कहती है कि ये सारी प्लानिंग जो है वो पाखी दीदी की थी और ये सब कुछ जो है वो पाखी दीदी ने किया। मुझे गुंडे भिजवाए, मुझे मरवाने की कोशिश की और साथ ही साथ मेरा फ़ोन जो है वो गायब करवा दिया, मेरा पर्स गायब करवा दिया। ये सब कुछ जानबूझकर उसने किया और एट मोमेंट पर वो हीरो बनकर पहुंच गई और ये सब कुछ हो गया। जिसके बाद यहाँ पर विराट है वो बहुत गुस्से में आता है, वो बहुत गुस्से में सई को देखता है और कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। यहाँ पर सई कहती है मुझे समझ नहीं आता कि आपकी आंखों पर क्यों पाखी दीदी के नाम की पट्टी लगी हुई है। जिसके बाद विराट कहता है कि सई पट्टी तो तुम्हारी आंखों पर लगी हुई है जिसे आज मैं उतारूंगा। और फिर यहाँ पर वो बहुत सारी बातें कहता है। वो कहता है कि सई तुम ये सब बातें कैसे कह सकती हो, तुमने इतना ज़्यादा पाखी को क्यों विलन बना रखा है, पाखी इस घर की बहू है, तुमने तो उसे बिल्कुल क्रिमिनल बना रखा है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पर सब कुछ करती नजर आई थी, यानी कि बैग चोरी हुआ या फिर तुम किडनैप हुई, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, गीता गायब हुई, तो इस सब के पीछे तुम पाखी का हाथ बता रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही हो। जिसके बाद सई बिल्कुल भी नहीं समझा पाती विराट को, क्योंकि विराट कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। वो बार बार यही कहती है कि ये सब कुछ पाखी दीदी ने जानबूझ कर की, ये सब कुछ साजिश है। जिसके बाद विराट कहता है ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो सई है वो पूछती है कि अच्छा अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आपने इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट किया। यहाँ पर विराट जो है वो कहता है कि अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, ये एक लास्ट ऑप्शन बचा था ताकि हम दोनों पेरेंट्स बन सके। ये सारी बातें वो सई को बोलता है। यहाँ सई जो है वो कुछ बोल नहीं पाती विराट को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि ये सब कुछ जानबूझकर पाखी ने किया, लेकिन विराट कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। इसके बाद यहाँ पर विराट जो है वो जाता है पाखी के पास और कहता है कि मैं अपने पिता के हैसियत से आया हूँ, मतलब मैं एक पिता हूँ और इस हैसियत से तुम्हारे पास आया हूँ, और किसी भी हालत में इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए और मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है। ये सुनकर जो पाखी है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल दिखाती है, कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। यहाँ जो विराट है वो कहता है कि मैं पिता के हैसियत से यहाँ पर आया हूँ, इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, ये बच्चा मेरे और सई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सई भी आगे से कुछ नहीं करेगी। ये सुनने के बाद पाखी जो है वो थोड़ा रिलैक्स होती है और अब पाखी अपने नए प्लान को अंजाम देने के बारे में सोच रही होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।